हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रसाम, एक बहुत फेमस आर्टिस्ट। शाहिद अंकल, थैंक यू कि आप हमारे साथ आज यहाँ पर हैं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि पेंटिंग्स लाखों डॉलर की बिकती हैं इंटरनेशनली, और हर बंदे को उसमें एक अलग कहानी नज़र आती है, तो पेंटिंग्स को इंटरप्रेट किस तरह से किया जाता है? क्या उसका कोई स्टैंडर्डाइज तरीका है? क्योंकि अगर मैं पेंटिंग देखता हूँ, मुझे आज तक समझ में तो नहीं आया कि एग्जैक्टली दिखाया क्या जा रहा है उसके अंदर। असल में इसके दो अपने एंगल हैं। एक तो है अपने वो लोग जो आर्ट से वाबस्ता होते हैं, ज़रूरी नहीं वो खुद आर्ट करते हों, बल्कि जो आर्ट इवन अप्रिशिएट भी करते हैं या पसंद करते हैं, तो उनका जो अप्रिसिएशन लेवल है, अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एक बाकायदा एक सब्जेक्ट है। अच्छा। हाँ, जो पढ़ाया जाता है कि भाई पेंटिंग्स को देखना कैसे है और किस तरीके से उसको, फिर उसके बाद वो होती है। दूसरा एक बहुत आम अंदाज होता है जो कि बहुत ख़ास भी है, वो जैसे खुशबू होती है ना, खुशबू के लिए कोई उसूल नहीं सीखा जाता आपको जी। आप देखते हैं, अपने सूंघते हैं, आपको अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती, तो इसी तरह से आर्ट का भी ताल्लुक है। यही अपने पैमाना मौसीकी पे भी है, अप्लाई होता है, और शायरी पे भी, यानी जितनी आर्ट फॉर्म्स हैं उनका यही है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका उससे हम कलाम होना, जो भी पीस ऑफ आर्ट है, यानी यू हैव टू हैव अ डायलॉग विद दैट। बिल्कुल। उसके बाद वो आप पे खुलता है, वरना वो आप पे खुलता नहीं है। सही है। जी। दूसरा जो आपका इसी सवाल का हिस्सा है, लाखों डॉलर की बिकना और ये, तो ये पूरा एक बिजनेस वर्ल्ड है। बिजनेस वर्ल्ड है जो कि रिलेटेड है ऑब्वियसली नाम से, शोहरत से, सक्सेस से। सही है। तो पाकिस्तान एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे काफ़ी टाइम से आर्ट को नीचा दिखाया जाता है और कहते थे कि अच्छा आर्ट तो करते हो लेकिन साथ में क्या करते हो, हॉबी के तौर पर समझा जाता था ऐसे। तो आपने उस सब के बावजूद आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाया, अपना करियर बनाया, ऐसा क्यों था? मैं जिस ज़माने में था तो आर्ट का मुझे शौक़ था, तो मैं आपको एक वाकया बताऊं कि मेरे मामू जो है अपने सऊदी अरब से आए हुए थे, और जब उन्होंने मुझे ड्राइंग बनाते हुए देखा तो मेरी अम्मी से कहा कि लो भाई ये बड़ा लड़का है तुम्हारा, ये अपने यही हाथों से चला गया। यानी गोया वो समझ रहे थे कि मैं बिल्कुल ना कोई ऐसी रास्ते पर लग गया हूँ जो कि बहुत ही तबाही बर्बादी का रास्ता है। तो उस ज़माने में एक बार, लेकिन लास्ट 30-40 ईयर्स टाइम में, पर्टिकुलरली लास्ट 30 ईयर्स में बहुत चेंज आया है, ख़ासकर जब लोग बाहर पढ़ने के लिए गए और वहाँ उन्होंने देखा कि भाई आर्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है लोगों की ज़िंदगी में जितनी दूसरी चीज़ें हैं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेट होती गई तो फ़र्क पड़ना शुरू हुआ जी। लेकिन ऑब्वियसली वेस्ट के मुकाबले में वो सूरत हाल नहीं है अभी हमारे यहाँ जो होनी चाहिए थी, तो वो रफ्तार तालीम से बड़ा उसका गहरा ताल्लुक है। जब आपका जो तालीम का मयार है और जो उसका रेशो है वही इतना डाउन हो, तो वहाँ पे जाहिर है आर्ट का हाल यही होगा। फिर अनफॉर्चुनेटली एक और भी चीज़ हुई है जिसको समझना चाहिए तमाम सुनने वालों को भी, देखने वालों को, पढ़े लिखे लोगों को खासकर। आपके करियर के स्टार्ट में आपको काफ़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे जॉन एलिया और मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, उनकी मेंटरशिप मिली, लेकिन जैसे आपने मुझे बताया आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना आर्टिस्टिक नहीं रहा है, तो ऐसी फेमस पर्सनालिटीज से आपका ताल्लुक कैसे हुआ और उनसे मेंटरशिप आपको कैसे मिली? चूँकि मैं अक्सर बताता हूँ कि मेरा ताल्लुक बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से था। एक मेरे वालिद जो है वो मजदूरी करते थे, वालदा मेरी लोगों के कपड़े सीती थी, उस तरह से उन्होंने हमें तालीम दी। अच्छा, पैसे के पैमाने से तो वो गरीब थे लेकिन वैसे बहुत अमीर थे, यानी जिस तरह उन्होंने हमारी तरबियत की या हमारे घर का जो माहौल था, यानी मेरे वालिद साहब को जॉन भाई ने अपना भाई बनाया हुआ था और मेरा नाम जॉन भाई ने रखा। फिर मुझे चूँकि बचपन से शौक़ था तो पढ़ने लिखने का, ख़ासकर शेर व अदब का, तो मैं इन लोगों से, मुझे हमेशा अपने हम उम्र लोगों के साथ मेरी दोस्ती उस तरह हुई नहीं। अच्छा। तो इन लोगों के साथ मुझे ना सिर्फ अच्छा लगता था बल्कि मुझे सीखने को बहुत मिला। और लकीली मैं मैट्रिक में था जब मेरी यूसुफी साहब से मुलाकात हुई और बस उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैं 7th क्लास में था, 7वीं जमात में था, तो मेरी अनवर मकसूद साहब से मुलाकात हुई, तो उनसे आज तक दोस्ती कायम है। तो खुद ज़ाती शौक़ और फिर लकी बहुत रहा मैं इस हवाले से कि इन सब की शफ़क़त, मोहब्बत और सीखने को मिला इन सब से।
अच्छा, आपकी ये पेंटिंग्स में देखता हूँ, जैसे ये पीछे जो लगे हुए म्यूरल्स वगैरह, इसमें काफ़ी इंटेंस कलर्स इस्तेमाल होते हैं और कुछ जगह पे बहुत ही, जिस तरह से आप देख रहे हैं, काफ़ी डार्क किस्म के कलर्स होते हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह है या ये सिर्फ आपकी पसंद की तरफ से है? नहीं, पसंद नहीं है, रंगों का मामला आपके इनर सेल्फ से होता है। अच्छा, उसमें कोई डिसाइडेड एलिमेंट नहीं होता। सही, कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मैं अगर पीछे अपने 30-35 साल के कैरियर में देखता हूँ तो एक ज़माना मेरे पास ऐसा आया था कि मेरी पेंटिंग्स के जो टोटल कलर थे वो बहुत ही ग्रेश और ग्लूमी टोन थी, और उससे निकलने में मुझे समझ लें कि कोई, और ये मैंने डिलिबरेटली नहीं किया, मैं जब पीछे पलट के देखता हूँ उससे निकलने में मुझे कोई 10 साल से ज़्यादा लगे, फिर नए रंग आए मेरी ज़िंदगी में। तो इस तरह से ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपने काफ़ी इंटरनेशनल एग्जिबिशंस किए हैं, आपने इंटरनेशनली पढ़ाया भी है, आपने मुझे बताया आप कनाडा में इतने सालों रहे हैं, तो उसके बाद आप वापस पाकिस्तान क्यों आए, और जब आए तो आपने डिसाइड किया कि आप यहाँ आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रिंसिपल बने, तो इसकी क्या वजह थी? नहीं, मैं खुद नहीं बना, बल्कि वो इसमें शाह साहब की वो है कि उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यू हैव टू पे बैक, और ये जिम्मेदारी दी, तो अपने तो इस तरह से मैंने ये ज्वाइन किया। और ड्रीम एक था कि जिस क्लास से मेरा ताल्लुक था वहाँ से उठ के अल्लाह ने मुझे अपने तरक्की दी और मैं यहाँ पे पहुँचा, तो मैं उन लोगों के काम आऊँ। आर्ट एजुकेशन इस मुल्क में लोअर मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल उसका कोई तसव्वुर नहीं था, जो हमने यहाँ शुरू किया स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे फ्री क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, आर्ट मटेरियल दिया जाता है और उनकी बाकायदा ग्रूमिंग की जाती है, और वो बच्चे वो बच्चियाँ जो एक पेंसिल नहीं ख़रीद सकते। तो उसमें यही था, मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि हम लोग, मुझसे किसी ने कनाडा में पूछा कि भाई पाकिस्तान में और या कैनेडियन सोसाइटी में क्या फ़र्क है, तो मैंने कहा भाई एक बहुत वाज़ेह फ़र्क ये है कि दे आर दी पीपल ऑफ एप्रिसिएशन, और ये जो है कंप्लेन नहीं करते, हम लोग कंप्लेन बहुत करते हैं, समझे, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं जी। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप अपना हिस्सा डालें। और फराज साहब ने कहा था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, तो अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। अच्छा, आर्ट एक बहुत ही इंटीमेट फॉर्म ऑफ क्रिएशन समझा जाता है, जिसमें कंसिडर ये किया जाता है या समझा ये जाता है कि आप अपने हाथों से, खुद अपनी मेहनत से किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ गई है, तो आर्टिस्ट टेक्नोलॉजी को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने आर्ट के अंदर? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से कि जो क्रिएशन है उसकी लाइफ हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों से भी, ख़ासकर जो डिजिटल आर्ट करते हैं और दूसरे तरह के आर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि इसकी लाइफ क्या है। अब मिसाल के तौर पे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन के बाद वो आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है। पहले इसी तरह से वो तमाम चीज़ें जो उस टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं, वो कुछ दिन के बाद अनट्रेनलेस के उसका आइडिया बहुत, दो एलिमेंट होते हैं आर्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट। एक है कि उसके जो कैनवस है उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी कितनी है, कितना उसका आइडिया कितना बड़ा है, और दूसरा होता है टेक्निकल प्लेयर। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेक्निकल प्लेयर में तो अचल जाता है, लेकिन आप आइडिया को थोड़ी टेक्नोलॉजी से वो कर सकते हैं, तो इसको उसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि उसकी लाइफ जो है, जो क्रिएशन है, जो पीस ऑफ आर्ट है, उसकी लाइफ चंद साल तो नहीं है उसकी, क्योंकि जो क्रिएशन है, आप अगर पूरी आर्ट की तारीख उठा के देखें तो वो तो हज़ारों साल उसकी तारीख है, और बड़ा पीस ऑफ आर्ट तो जो अनफोल्ड या खुलना शुरू होता है उसमें तो सदियां लग जाती हैं। सही है। अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर सेगमेंट पे। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जो जिनसे बहुत ज़्यादा मैं वो रहा उसमें अपने रेम्ब्रांट, आपका पिकासो, अपने पॉल क्ली और डाली, जो बहुत मेरा अपने वो है
और पाकिस्तान में अगर आप पूछें तो ऑल टाइम ग्रेट सादिक अहमद साहब। तो ये आपके इंस्पिरेशन हैं उसी तरह से जिस तरह से आप काफ़ी लोगों के इंस्पिरेशन होंगे जिन्हें आप पढ़ाते हैं। सही। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग जो आपने बेची हो? इनकम टैक्स वाले पीछे आ जाएंगे। चले सही, उससे आगे बढ़ते हैं। और सबसे महंगी पेंटिंग जो आपने खरीदी? मैं पेंटिंग खरीदता हूँ और ख़ासकर स्टूडेंट्स की। अच्छा। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स मेरे पास काफ़ी वो है, जो कि इसलिए कि ना सिर्फ ये कि उनको इनक्रेज ही नहीं करना बल्कि उनको ये बताना कि अपने आप को भी यही काम करना है। वैन अपने आप सक्सेस हासिल कर लें, वैन यू आर फेमस, तो आपको भी ये एक रिश्ता है, जैसे जंजीर की कड़ियाँ होती है ना, आप हाथ थामते चले जाइए तो वो एक चेन बनती चली जाएगी उससे, और वो पास ऑन होते चला जाएगा। आर्ट आपका प्रोफेशन है जो, लेकिन लोग समझते हैं कि आर्ट हॉबी होती है, वो आपका प्रोफेशन है, तो आपकी हॉबीज़ हैं क्या क्या? आर्ट मेरा प्रोफेशन कम, पैशन ज़्यादा है। प्रोफेशन, और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जो चीज़ आपकी पैशन होती है ना, तो वो प्रोफेशन खुद पीछे पीछे चलता हुआ आ जाता है। जो हॉबीज़ हैं मेरी, वो लिखने पढ़ने के अलावा म्यूज़िक, एक ज़माने में क्रिकेट बहुत खेलता था और अपने वायलिन बजाता था, अब जो है मशरूफ़ ज़िंदगी ये बहुत ज़्यादा, तो उसमें ट्रैवलिंग। वाओ, हाँ, मेरा भी बहुत बड़ा शौक है। मेरा हाँ, भी ट्रैवलिंग मेरा बहुत ज़्यादा है, बल्कि मेरे दोस्त अहबाब मुझे आवारा करते हैं। तो ये चले। और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, मैंने आपकी वेबसाइट विजिट की थी कल, तो उसमें आपके चार मेन वो पार्ट्स आ रहे थे, ड्राइंग्स थी आपकी, पेंटिंग्स थी, म्यूरल्स थे और स्कल्पचर्स थे, तो आपका फेवरेट इन चारों में से क्या है? अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। हाँ, जब क्योंकि जिस दिन मेरा फेवरेट या बहुत कोई ऐसी चीज़ मैंने बना ली, तो उस दिन ये समझ लें कि मेरा इंतकाल हो जाए। अच्छा। उसके अभी इंतज़ार में। एंड वॉयज ऑफ डिस्कवरी है आर्ट, बिल्कुल। आप मुस्तकिल जो है अपने नए नए मोती तलाश करते रहते हैं, और शायद इसीलिए आर्ट इतना लॉन्गजेविटी, इतना लंबे टाइम तक चलता रहता है, उसकी लाइक लाइफ इतनी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि आप अपने आप को नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं अपने बारे में, और फिर आप उसे नई तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। Exactly. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू के लिए। एंड दिस इज इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ।